क्या हो गया? बुढ़िया कमरा खुद ही छोड़ रही है? अरे तुम्हें नहीं पता, पिछले महीने छोटी बीबी की सालगिरह थी, बड़ी बेगम साहिबा ने गलती से झूला सरकने का बोल दिया। झूला तो ना सरका, लगता है कमर की हड्डी सरक गई, इसीलिए लेटी रहती है। हाँ देखो, पूरा महीना हो गया है, लेटी भी है और बड़ी बेगम साहिबा भी ना गुस्सा कर रही है। तुम्हारा तो ये हमेशा का ड्रामा है। पंखे साफ कर दिए तो टांग टूट गई, छत धो दी तो कमर अकड़ गई, कंधे अकड़ गए, काम नहीं होता तो निकलो यहाँ से। बेगम साहिबा बहुत तकलीफ, वरना मैं कहाँ बैठती हूँ? अरे तो मैं क्या करूँ, काम नहीं होता तो निकलो। मैंने कोई ओल्ड पीपल्स होम तो नहीं खोला ना कि तुम्हारी पोती तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई और मैं मुफ्त की रोटियां खिलाती रहूं। और प्लीज जस्ट गेट आउट, बहुत हो गया ड्रामा। उठे, हाँ हाँ कुछ भी नहीं हो रहा, सब पता है मुझे, ड्रामे फालतू के, प्लीज गो। आप तो जनाजा अटेंड करने गई थी ना, क्या कब्र में हड्डियां गलने का इंतजार कर रही थी? कब्र में सिर्फ हड्डियां नहीं गलती, कीड़े भी पड़ते हैं। कहना क्या चाह रही हैं आप मिस मापारा? आपको लोगों पे जुल्म करते हुए खुदा से डर नहीं लगता ना, तो आपको याद दिला रही। आपको उस वक्त खुदा याद नहीं आया था जब आप अपनी दादी को यहाँ अकेला छोड़ के जा रही थी? मैं तो साथ लेके जा रही थी, आपने और सारा ने इज्जत की थी ना। रियली वेरी नाइस। मैंने और सारा ने कहा था तो हमने कुछ दिन के लिए कहा था, हमें क्या पता था कि आप अपने बोझ से जान छुड़ा रही हैं। मेरी दादी मुझ पर बोझ नहीं है। मोरेली, लेकिन हम पे तो बोझ बना दी ना। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी कंगाल हो चुकी हैं कि एक औरत की दो वक्त की रोटी भी आप पे भारी पड़ने लगी है। नाइस, इतने दिनों बाद आप तशरीफ लाई हैं और आप यहाँ खड़ी होकर मुझे बद्दुआएं दे रही हैं। आप डिजर्व करती हैं। और आपको क्या लगता है आपकी इन बेसलेस बद्दुआओं से हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? सब लोगों को बद्दुआएं बर्बाद नहीं करती है, कुछ लोगों को उनके गलत फैसले भी ले डूबते हैं। किस कदर एहसान फरामोश लोग हैं आप। गेट आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ, निकलो मेरे घर से। हाय बड़े। दादी अब नहीं रहना यहाँ। नहीं रहेंगे दादी, नहीं रहेंगे। हम अभी जा रहे हैं यहाँ से। इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाऊँगा, ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? ऑफिस आने का तो टाइम नहीं है। मेरा अपना ऑफिस है, अपना काम है, किसी के यहाँ जॉब नहीं करता। जब दिल चाहे जाऊँ, जब दिल चाहे आऊँ, किसी को क्या प्रॉब्लम है? हैरत है, अपना बिजनेस होता है तो लोगों को खुद से फिक्र होती है, और एक आप है कि सारा कुछ मुलाजमों पर छोड़ा हुआ है। मुलाजमों पर नहीं छोड़ा हुआ, वहाँ पर रायद और डैड होते हैं। रायद? क्यों हंस रही हो, मैंने कोई जोक सुनाया? नहीं आपने कोई जोक नहीं सुनाया, एक्चुअली मैं रायद के बारे में सोचकर हंस रही थी। भाई वो तो कल से घर में अपना एक नया शहर बसाने की तैयारी कर रहा है। नया शहर क्या मतलब? आपको नहीं पता भाई, मम्मी जी उसकी शादी पर तुली हुई है और डैड ने उसके ऊपर किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब आप ही बताएं, वो अपना उजड़ा हुआ दिल लेकर नया घर बसाएगा या नया शहर? कहीं ऐसा ना हो कि दोनों ही डूब जाएं। मैं क्या करूंगा आपको इससे मतलब? आप कौन होती है मुझे डिस्कस करने वाली? भाई तमीज से। क्या तमीज से? भाभी ये तुम्हारी लिहाज करो। ये लिहाज फिर आप इन्हें सिखाएं। क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? मैं ये बातें अपने कमरे में अपने शौहर से कर रही हूं। तो फिर आप अपने कमरे में अपने शौहर से अपनी बातें करें। दोबारा मेरा नाम लिया तो समझा दें अपनी बीवी को, आखिरी बार कह रहा हूं, नेक्स्ट टाइम लिहाज नहीं करूंगा।
ऐसे क्या देख रही हो? मुझे सारा पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसकी तरफ से दिल बुरा मत करो बेटा, उसका क्या कसूर है? दादी, उसने वादा किया था आपकी हिफाजत का, वो आपको हॉस्पिटल तो लेकर जा सकती थी ना। मैंने उसको अपने दर्द की शिद्दत का बताया ही नहीं था। अगर मैं उसको बता देती तो वो तुमको बता देती, और फिर तुम भागी दौड़ी चली आती अपने सारे काम छोड़कर। दादी, मैंने उसे जब भी फोन किया ना, उसने कहा आप सो रही हैं, या तो वो बाहर होती थी या कुछ और। ये बताओ कि तुमने कोई घर देखा किराए पर? नहीं। तो फिर हम कहां जा रहे हैं? यहां। ये किसका घर है? आपका। राइत, ये ग्रैंड बिल्डर्स को न्यूलैंड सिटी वालों को प्रपोजल भेज दिया तुमने? नहीं सोहेल भाई, अभी प्रपोजल डिजाइन कर रहा हूँ, जब दूसरे लोगों की कोटेशंस आ जाएंगे तो फिर अच्छा आइडिया होगा। यार तुम किन चक्रों में पड़े हुए हो? ये दर्दे सर छोड़ो और दिमाग से काम लो, अपने लिए भी आसानी करो और उनके लिए भी आसानी करो। क्या मतलब? मतलब ये कि ग्रैंड बिल्डर्स वालों का कोई मेंबर पकड़ो और उसके साथ कोई डील बना लो, सिंपल। आप मुझे ब्राइब करने को क्या? नहीं, इसे ब्राइब भी कहते, शॉर्टकट कहते। You know what, सोहेल भाई, I'm sorry, लेकिन मुझे शॉर्टकट्स नहीं चाहिए। तुम्हें शॉर्टकट नहीं चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए? लेकिन सोहेल भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो वो हमें हमारा प्रपोजल देकर ही देंगे। हमारी कोटेशन बहुत अच्छी है, हमारा काम मेयारी है। मेरे भाई, यहाँ पे कोई भी काम मेरिट पर नहीं होता। सोहेल भाई, हम एक इंटरनेशनल फर्म को पिच करें, हमें जेन्युइनली काम करके वो सब मिल सकता है जो आप शॉर्टकट से लेना चाहते हैं। ठीक है, ट्राई करके देख लो। तुम भी यहां हो और मैं भी यहां हूं, अगर ब्राइब ना देनी पड़े तो बताना। सच बताओ महापारा, ये किसका घर है? हमारा घर है। और हमारे साथ यहाँ और कौन? हमारा घर है तो कोई और क्यों होगा? ये तो मैं सोच रही थी, इतना बड़ा घर, इसका किराया भी बहुत होगा। कोई किराया नहीं, घर मुझे ऑफिस की तरफ से मिला। क्यों, किराया क्यों नहीं है? मेरी पोस्ट वालों को मिलता है, कल ड्राइवर भी आ जाएगा और गाड़ी भी, और फिर वो हमारे पास ही रहेंगे। तुमने इम्तिहान पास कर लिया? मैंने पोजीशन लिया दादी, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर की और मैंने एक्सेप्ट कर ली। अब ना हम किसी के नौकर हैं और ना कोई हमें घर से निकालेगा। आज रहमत जिंदा होता तो कितना खुश होता। ये घर, गाड़ी, कितना बड़ा ख्वाब था उसका। सब चाहता था कि तुम्हारे पास हो। कैसी हसरत थी उसे, वो जिंदा होते तो ये सब कुछ ना होता दादी। क्यों ना होता? क्योंकि मैं जिंदगी में उन्हें सुकून देने के लिए पैदा ही नहीं हुई थी। बातें नहीं करते महापारा, बाप की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। जिस बाप को मरने पर मजबूर कर दिया, उसकी रूह को क्या तकलीफ पहुंचेगी? भूल जाओ बेटी, सब भूल जाओ।
दादी पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है? क्या? जो जिल्लत अब्बा को खा गई मेरी रग रग में उतर गई। मेरी तरफ देखो, अच्छा मेरा कमरा तो दिखा दो मुझे। डिजाइनर के जाना था ना, आप गई नहीं? शाम में जाऊंगी, लेकिन मैं दादी के कमरे में गई थी, वो वहां नहीं है। किधर है माँ पारा की दादी? माँ पारा ले गई उन्हें। माँ पारा कब आई थी और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको माँ पारा और उसकी दादी की इतनी फिक्र क्यों है? आपकी शादी सर पर है, आप उसकी तैयारी कीजिए। देखे ना स्किन कितनी खराब हो रही है आपकी। मामा वो अपनी दादी को मेरे भरोसे छोड़ कर गई थी, अब लेकर जा ही रही थी तो मिलना तो चाहिए था ना। आपसे मिलने के लिए रुकती तो आपकी मामा की इंसल्ट कैसे करती? आपकी इंसल्ट क्यों? मैं समझी नहीं। आपने उनकी दादी को कैद में जो रखा हुआ था, कहीं आने जाने भी नहीं देती थी। उसने ऐसा कहा है? सिर्फ ये नहीं कहा, और भी बहुत कुछ कहा। इतनी बददुआएं दे रही थी। बदवाएं क्यों? आपने उसकी दादी को इतनी अजियत में जो रखा हुआ था। कौन सी अजियत? क्या क्या बताऊं? There's a long list of blames. खाने को नहीं देते थे, medical attention नहीं दी, जबरदस्ती possibly घर में उनसे काम करवा रहे थे, blah 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 blah. लेकिन माँ पारा तो यहाँ थी भी नहीं, वो ये सब कैसे कह सकती है? माँ पारा नहीं थे लेकिन रابطे के लिए दादी के पास फोन तो था। I can't believe it. Please, can we close Maa Para and her daddy's chapter now? Good. It's your wedding. There's lots to do. Go prepare for it. सुनो, दादी के लिए सालन में लाल मिर्ची कम रखना और रोटी उन्हें ताज़ी बना के देना। जी बाजी। तुम्हें खीर बनाने आती है? जी बाजी आती है ना, हलवे तो सारे बनाने आते हैं, चने की दाल का हलवा तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। Come on, are you serious? ये कढ़ाई बिरयानी हलवा राहिद अम्मी ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया, सुबह से लगी हुई है वो। Come on, सोहेल भाई, मैं अमेरिका से आया हूँ, किसी गाँव देहात से नहीं, जो मेरे लिए बिरयानी हलवे और ये सारी चीज़ें बनवा ली हैं आप लोगों ने। मेरे भाई अमेरिका से भी आके लोग ये सारी चीज़ें खाते हैं और शौक से खाते हैं, और तुम्हें भी तो बहुत पसंद था ये सब कुछ। हाँ याद तो है, लेकिन सोहेल भाई बात ये है कि वक्त के साथ साथ ना पसंद बदल जाती है, आदतें बदल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। यहाँ तक कि घर के जो सर्वेंट्स हैं ना उनकी भी अहमियत अभी वही है बल्कि और बढ़ गई। बाजी आज चने की दाल का हलवा बना लो। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, दादी को खीर पसंद है, खीर ही बनाना, और कल से नाश्ते के बाद ही खीर बना के फ्रिज में रख देना ठंडी करने के लिए। दोपहर के खाने के साथ दादी को ठंडी खीर देना। ठीक है बाजी, रात का खाना बना लो। हाँ बना लो, और हाँ कल से दादी के कमर का मसाज भी तुम करोगी। मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और अपने इंतज़ाम भी यहीं कर लेना। तो मैं अम्मा जी के साथ ही सो जाऊँगी? नहीं दादी के साथ मैं सोती हूँ, तुम किसी दूसरे कमरे में सो जाना। ठीक है। अरे माँ पारा सारी बातें आज ही समझा दोगी, आ भी जाओ अब। सुबह से ऑफिस जाऊंगी ना, इसलिए सारा काम आज ही समझा रही हूँ ताकि कल से आपको परेशानी ना। बाजी आप बिल्कुल फिकर नहीं करें, सारे काम मैं अच्छे तरीके से देख लूंगी। कल से रोज नर्स आएगी आपकी थेरेपी के लिए, आप ठीक हो जाएंगे फिर। जीती रहो, अल्लाह बहुत कामयाब करे। सोने से पहले मेरे कल के लिए कपड़े प्रेस कर देना।
जी बाजी, आप फिकर नहीं करें, मैं कर दूंगी। अब तुम जाओ खाना देखो। जी। आपका दर्द कैसा है? तो बहुत बेहतर हूँ। अचानक बहुत बड़ी नहीं हो गई तुम? मेरी हालत का पता है, फिर भी आपने डेट फिक्स कर दी। शादी आज रखें या कल, शादी तो होनी है ना। लेकिन मैं इस हालत में कैसे अटेंड करूंगी? आप बेबी होने का तो वेट कर ले। तुम्हारी हालत जैसी आज है ना, कल भी वैसी होगी। क्या मतलब है आपका? क्या मेरा बेबी नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रही हूँ हाजरा, आज प्रेगनेंसी का इशू है, कल डिलीवरी का प्रॉब्लम होगा, परसों बेबी तंग कर रहा होगा। कब तक हम शादी डिले करेंगे? मतलब आपने सोच लिया है कि आप रायत की शादी मेरे और सुहेल के बगैर ही करेंगे? क्यों? सुहेल के बगैर क्यों? तुम प्रेग्नेंट हो, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम घर में आराम कर सकती हो। सुहेल मेरे बगैर नहीं जाएंगे। क्यों सुहेल? हाँ हाजरा ठीक कह रही है, शादी डिले कर देते हैं। बेटा क्या हो गया तुम्हें? डेट फिक्स हो गई है। हम डेट तो चेंज भी हो सकती है ना, और हाजरा की तबीयत मुनासिब नहीं है, मैं नहीं चाहता घर में कोई किसी किस्म की परेशानी हो। सुहेल, मम्मी जी को तो मेरा ख्याल ही नहीं है। हाजरा तुम फिक्र मत करो, मैं डैड से बात करूंगा, शादी डिले कर देंगे, तुम्हारी डिलीवरी के बाद ही होगी, फिक्र मत करो। बीवी की बात के आगे माँ बाप की बात की कोई अहमियत ही नहीं है। मॉम ये बात नहीं है, ऑफिस में प्रॉब्लम है, बिजनेस पे कुछ क्रूशल टाइम चल रहा है, बेहतर यही है कि अभी हम इस शादी को डिले कर दें। ये क्या बात है भाई, अगर ऑफिस में टेंशन चल रही है तो शादी आगे करा दो। वाह डैड, प्लीज आप ही समझा। बेटा मैं समझाता, शैला सुहेल बिल्कुल ठीक कह रहा है, कारोबारी हालात बिल्कुल खराब हैं, हमें पूरा ध्यान अपने बिजनेस की तरफ देना पड़ेगा। तो दीजिए ना अपने कारोबार पे ध्यान, शादी का क्या लेना देना इससे? मैं कैसे समझाऊं तुम? देखो हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, सारी इन्वेस्टमेंट उस पे करनी है, और फिर रायत भी रात दिन बिजी होगा। तो आप पहले नहीं कर सकते थे ये काम? आपने एन शादी के वक्त पे ही रखना था कि जी शादी शुरू होगी तो हम ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। भाई अपॉर्चुनिटी हमें अभी मिली है, हम उससे फायदा उठा रहे हैं, राइट प्रपोजल बना रहा है, अगर एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है। तो आपके ख्याल में इस काम में कितना वक्त लगेगा? अभी प्रपोजल तैयार होगा, फिर एक्सेप्ट होगा, तो पता नहीं, देखें क्या होता। अजीब बातें कर रहे हैं आप लोग, भी शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है? मैं इसे ऐसे घटाती बढ़ाती रहूं आगे पीछे? देखो दो चार दिन के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। वैसे मेरा मशवरा ये है कि रायत को पूरी तवज्जो अपने कारोबार की तरफ देने दो, अभी इस शादी को पोस्टपोन समझो। पहले कहीं जॉब की है आपने? यहाँ आने से पहले किसी से मशवरा भी नहीं किया होगा राइट?
लग रहा है, वरना एटलीस्ट यहाँ के हिसाब से ड्रेसअप होकर आते। माशाल्लाह। अच्छा दफ्तर कैसा है तुम्हारा? आज तो पहला दिन है दादी, ऑफिस जाकर ही पता चलेगा। सलमा, अच्छा मेरे पास आओ। क्या कर रही हैं? जला दो इसे जाके, और ये रास्ते में किसी फकीर को दे देना। अब ये क्या? ये तुम्हारा सदका है, किसी फकीर को दे देना। मेरी कमर तो इस काबिल है नहीं, वरना मैं खुद जाके किसी मुस्तहक को देकर आती। थैंक यू। चलिए मुझे दरवाजे तक छोड़ के, देर हो रही है। अच्छा ठीक है, आज के बाद नहीं होगी देर। अगर आप कहेंगी ना तो कॉलेज भी छोड़ दूंगी। हैं? कॉलेज छोड़ दोगी तो बड़ी अफसर कैसे लगोगी? मुझे बड़ी अफसर लग के क्या करना है पापा? बड़ी सी गाड़ी लेनी है, बड़ा सा घर लेना है। मेरी बेटी को शुरू से गाड़ियों में घूमने की आदत है, तो हम गाड़ी लेंगे। आप फिक्र नहीं करें अब्बा, मैं सारी जिंदगी बड़ी सी गाड़ी में ही घूमूंगी। बगैर पढ़े लिख के कैसे? मैं तो एक मामूली सा मुंशी हूँ, तेरे लिए गाड़ी लेना चाहता हूँ, लेकिन जेब इजाजत नहीं देती। हाँ तू पढ़ लिख के अफसर बन जाएगी तो हम गाड़ी लेंगे, मैं भी तेरे साथ पीछे बैठ के जाया करूँगा। हाँ सब खैरियत है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्यों, बगैर किसी प्रॉब्लम के मैं तुम्हें अपने पास बुला नहीं सकता? बुला सकते हो, लेकिन तुम कभी ऑफिस की ऑफ नहीं करते, इसलिए मैं परेशान हो गया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए? मां पारा का मेरे ऑफिस में आज पहला दिन है। तुम्हारे ऑफिस में? वो वहां क्या कर रही है? जॉब कर रही है तो ऑब्वियसली काम ही कर रही होगी। काम मतलब इस वजह से? अच्छा तो तुम इस वजह से ऑफिस नहीं गए, उसे पता है तुम वहां जॉब करते हो? मेरा नहीं ख्याल उसे पता है, लेकिन अभी मैं उसे बताना भी नहीं चाहता। क्यों, क्यों नहीं बता सकते उसे? यार उसके दिमाग में मेरे लिए पता नहीं क्या क्या कि मैं उस पर एहसान करता हूँ।
वो तो मेरे रेफरेंस से कहीं इंटरव्यू भी देने नहीं जाती। तो इस डर से तुम अपनी जॉब छोड़ दोगे? तो क्या करूं अगर वो मुझे वहां देखकर जॉब छोड़ गई तो? सलार यार, वो इतनी बेवकूफ लड़की नहीं है। उसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का फर्क पता है, और उसे ये भी पता है कि उसे अच्छी जॉब मिल ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी यार। हाँ तो तुम अपना सर पकड़ के बैठे रहो और अपनी जॉब गवा दो। तो क्या करूं? अरे यार, तैयार हो, उठो और जाके उसका सामना करो। और अगर वो गुस्सा हो गई तो? अरे यार, तो तुम उसे बता देना तुम इस फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और जो तुम्हें कंपनी के लिए सही लगेगा तुम उसे हायर करोगे, तो इसमें एहसान वाली बात क्या होगी? बाजी हारी हुई है। अगर तुम चाहो तो नए सिरे से गेम शुरू कर सकती हो। मुझे बाजी पलटना आती है अबूजी। तुम्हारी क्वीन खतरे में है मापारा, ये खेल यहीं खत्म कर दो। आप क्वीन की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये हर बार क्वीन को सामने क्यों लेकर आती हो? दूसरे मोहरे भी तो हैं। बादशाह के लिए दिल से सिर्फ मलका लड़ती। और बाकी सब क्या करते हैं? बाकी सारे तो फर्ज निभाते हैं, सिर्फ मलका है जो मोहब्बत से लड़ती है। आपने सोचा कैसे कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई भी कर सकती हैं, और वो भी इस होलिया के साथ? कम से कम सोच तो लेती। क्यों, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने से पहले सोचना चाहिए? जॉब करने से पहले मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करने से पहले भी सोचना चाहिए। इंसान को अपनी पर्सनालिटी देखनी चाहिए, अपने ग्रेड्स देखने चाहिए। तो तुम बहुत खुश होगी, तुम्हारा कामयाब फ्यूचर तुम्हारे सामने है। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, अपनी जिंदगी बना सकती हो। क्या इसके बाद मैं वाकई कुछ कर सकती हूँ, अपना नाम अपना मुकाम बना सकती हूँ? बिल्कुल, अपना नाम भी बना सकती हो और अपना मुकाम भी बना सकती हो। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये आपके लिए। किसने भिजवाए? साहब ने भिजवाया, यहाँ रख दो।
हाँ रब है। सालार सलीम, ये बंदा भी बाज नहीं आएगा। सकीना, सकीना। जी। वाईफाई किसने ऑफ किया है? वो डस्टिंग करते हुए शायद मुझसे हिल गया था। अगर हिल गया तो फिर ठीक करो ना। जी। रायत, बेटा इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? मॉम ये इतनी सी बात नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट फाइल अपलोड कर रहा था। कर लेना बाद में, अभी पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से और तुम्हारी दफ्तरी मसरूफियात की वजह से तुम्हारे डैड और सोहेल तुम्हारी शादी पोस्टपोन करने का सोच। हाँ तो बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया उन्होंने, मैंने तो पहले ही आपको मना कर दिया था, लेकिन आपको भी जल्दी थी, बिना पूछे डेट फिक्स कर दी। अच्छा मतलब मेरी गलती है, मैं गलत हूँ? नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है उसको पूरा करने के लिए मुझे सुकून चाहिए। आई अंडरस्टैंड, सुकून चाहिए तुम्हें, लेकिन बेटा हम इस तरह काम का कहकर शादी आगे नहीं बढ़ा सकते। अच्छा नहीं लगता इस तरह से कि मैं जाकर दुर्दाना से कहूँ कि जी आपकी बेटी गैर अहम है और मेरे बेटे का काम इम्पोर्टेंट है। क्यों क्यों नहीं कह सकती? क्या हो गया तुम्हें बेटा? हमें कोई और बहाना बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल दीजिएगा। अब मैं जाऊं? नहीं पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं बात करूंगी आज दुर्दाना से, ठीक है? और अगर तुम्हारी सारा से बात हो तो तुमने उससे यही कहना है कि हम हाजरा की डिलीवरी की वजह से डेट आगे बढ़ा रहे हैं। ओके Are you serious? Obviously I am serious. क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मॉम आपके लिए एक और झूठ निभाना पड़ेगा। शायद इस तरह काम का कहकर शादी बढ़ाना अच्छा नहीं लगता। मुझे इस तरह झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, ये बात आप जानती हैं। प्लीज मेरी जिंदगी मुश्किल मत करो, प्लीज। हेलो। हाँ बेटा मसरूफ तो नहीं थी तुम? नहीं दादी बोले। नहीं बेटा बस मैं यही कह रही थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम्हें सुबह कुछ खाने को दे देती साथ। इसकी कोई जरूरत नहीं है दादी, आप परेशान मत। अरे कैसे परेशान ना हो बेटा, क्या सारा दिन भूखी रहोगी तुम? नहीं भूखी नहीं रहूंगी, खाना खा लूंगी। क्या मिलेगा तुम्हारे दफ्तर में खाने को? अच्छा छोड़े ना, आप ये बताएं आपने खाना खाया? हाँ हाँ मैंने खाना खा लिया है। और मेडिसिन? मेडिसिन भी ले ली है और कमर का मसाज भी करवा लिया है। सलमा ने आपके लिए खीर बनाई थी? हाँ बनाई थी उसने खीर। और अब मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो और काम करो। काम ही कर रही थी दादी। यस कम इन दादी, एक मिनट। मैडम सब आपका लंच पे इंतजार कर रहे हैं। लंच पे? जी सकलेन साहब ने करवाया है। आप जाइए मैं आती हूँ। दादी मुझे जाना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, जरूर खा लेना कुछ। लाफ़स। आइए मिस मापरा, तशरीफ रखें। थैंक यू।
भाई आप ही का इंतजार हो रहा था। हमने सोचा कि लंच पे आपकी सबसे मुलाकात करा दी जाए क्योंकि आज आपका पहला दिन है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गाइस ये हैं मिस महापारा। महापारा रहमत हुसैन जी। सर मेरा नाम महापारा रहमत हुसैन है। ओके ओके। गाइस ये हैं मिस महापारा रहमत हुसैन। इन्होंने आज ही हमारी फर्म में बिजनेस प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी हेड के तौर पर ज्वाइन किया है। महापारा ये हैं शाहिद कुरैशी साहब, ये हमारे फाइनेंस हेड हैं, और वो हैं आदम बेग साहब हमारे मार्केटिंग हेड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और ये हैं सलार सलीम साहब,